इंदौर के राव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पीतमपुर रोड पर चेकिंग के दौरान दो पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। इसके साथ ही उसकी त्वरित गिरफ्तारी को लेकर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। SP पूर्व आशुतोष पागरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है पुलिस शाम को लगातार चेकिंग करती है, फील्ड में उपस्थित रहती है और चेकिंग के दौरान कई आपराधिक तत्व और बदमाश तत्व भी निकलते हैं जिनका सामना पुलिस के साथ में होता है। और ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें कि राऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पीथमपुर रोड है वहाँ पर एक हमारे दो जवान जो है चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान एक अपराधी से जो है अपराधी निकाल करके और पुलिस पर हमला किया। उस पर पुलिस ने 307 का मुकदमा कायम किया। पुलिस उसकी पतरसी के लिए लगातार लगी हुई है। उसका पता चल भी गया है, उसका नाम और उसका पता। उसको पकड़ने के लिए टीमें गई हुई हैं, ऑलरेडी लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि आज या कल तक में वो संभवतया पुलिस के राउंडअप में आ जाएगा और इस पर जो है अपराधी पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा जो जवान हैं जिन लोगों ने उसको रोक करके पकड़ा है उसको रिस्पेक्टेड IG सर ने भी उनको जो है इनाम देने की घोषणा की है, क्योंकि उन लोगों ने एक अपराधी था जिसको कि रोक करके चेक किया और चेक करने के क्रम में वो अपने ड्यूटी में उन पे जो है उस अपराधी ने हमला किया और यदि वो उसको नहीं चेक करते, नहीं पकड़ते तो हो सकता है कि वो जा करके कहीं बड़ी वारदात करता। तो पुलिस उसकी शिकार हुई पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान पे खेल करके और आम आदमी को उसमें नुकसान होने से बचाया है, इसलिए जो है IG सर ने उस पे दोनों जवानों को इनाम देने की भी घोषणा की। प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।